17 जो अंडर 16 क्रिकेटर बच्चियां होती हैं उनके साथ फील्ड में मैंने इंटरेक्ट किया। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज अच्छा, ये बहुत फिल्म द सी। नायाब जो नाम रखा हुआ है ना, ये किसी एक लड़की या किसी कैरेक्टर पे नहीं है, ये पाकिस्तान है। यानी कि नायाब मेरी नज़र में पाकिस्तान है, तो पूरे पाकिस्तान का नाम मेरे लिए नायाब मुझे देख के लोग समझे कि यार जब मैं पाकिस्तान में पैसे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो ब्रिटिशर है, अच्छा तो मेरे लिए वहां से वापस आके अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करना, तो ये बहुत और उनको। उनको कन्विंस करना कि नहीं पाकिस्तान में हाँ लगाने जी, हैं। उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी क्या करना है, तो मैंने कहा नहीं, अगर कुछ भी करूंगी तो अपने मुल्क के लिए उनके करूँगी। लिए करूंगी। तो अस्सलाम वालेकुम उर्दू 5 के साथ, मैं हूं गुप्ता सलीम। जैसा कि कोई भी खातून किसी भी चीज़ से कम नहीं है, किसी भी काम में कम नहीं है, इसी तरह ये जो नया फिल्म है, नया फिल्म की प्रमोशन और नया फिल्म हो या कुछ भी हो, नयाब के पीछे जो है ये एक नायाब खातून है जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, और ये इनकी नया फिल्म की प्रोड्यूसर हैं। इन्होंने कितनी मेहनत की और कितना पैसा लगाया और क्या क्या मतलब मुश्किल आई, ये सारी चीज़ें इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। नायाब पे पैसा कितना लगा अभी तक मैंने हिसाब नहीं मेरे ख्याल से जब हिसाब करूंगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बता दूंगी, लेकिन नायाब बनाने में मजा बहुत आया। कितनी फिल्म, ये आपकी फर्स्ट फिल्म है ये इससे ये पहले मेरी भी? पहली फिल्म है बिल्कुल, और आगे इंशाल्लाह और भी काम करूंगी, लेकिन ये पहली है। तो पहली फिल्म है, तो आपको कैसा लगा जब आपने आप भी इसमें थी कि हाँ नया इसको यमुना जैदी को लेना चाहिए, कब या आपको लगा कि नहीं इसमें कुछ चेंज होना चाहिए? नहीं, मैं ही थी जिन्होंने कहा यमुना जैदी को ही लेना चाहिए, आपकी चॉइस थी? यमुना मेरी, मैं यमुना की बहुत बड़ी फैन हुई हूँ। अच्छा, तो कैसा लगा जब आपने देखा आपको कोई फिल्म बनाते हुए कोई ऐसा सीन जो आपको लगा यार ये जिसके लिए आपको खुद ब खुद अल्फाज मुंह से निकले? यार ऐसे बहुत सीन है इस मूवी में, ये आप खुद भी जब देखेंगे ना तो आपको एहसास होगा कि सवाल मुझसे पूछना, लेकिन आपने कहीं तो देखा ना बनाते हुए, तो हुए जब मैं तो देखे। रोज थी वहां पर जब बना रहे थे। कोई ऐसा एक मतलब सीन होता है, कोई ऐसा या सॉन्ग बता दें कोई जो आपको बहुत दिल से लगा हो? जो मुझे सबसे, एक हमारे शैंडी सॉन्ग है, अच्छा वो उसकी जो कलरफुल वाइब्स थी ना, वो मेरा फेवरेट वाला टाइम था, कि मैंने बहुत इंजॉय किया उसको बनाने में, उसको शूट करने में, तो वो मेरे ख्याल से। अच्छा, आपकी ख्वाहिश थी कि आप फिल्म इंडस्ट्री में मतलब जाएं या इस तरह आप अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर जो है शो करने का? अच्छा, मेरा अपना एक प्रोडक्शन हाउस है, ठीक है ना, कैनिस प्रोडक्शंस के नाम से, तो उसके अंदर जो है हम बहुत सारे काम करते थे, तो जब मुझे मेरे पास स्क्रिप्ट आती थी तो फिर मैंने सोचा कि यार जब मैं दूसरों के लिए कर रही हूँ मैं अपने लिए क्यों नहीं करूँगी। हीरोइन बनने का शौक? हीरोइन बनने का नहीं था, एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर, क्योंकि हर कोई जो है ना इतना, मेरे ख्याल से पाकिस्तान में लोगों ने अपने आप को इतना दबा के रख दिया कि वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, हर कोई चाह रहा है कि वो बाहर जाके इन्वेस्ट करे। ऐसे ही है, वो तो मुझे भी पता है, पैसा है लेकिन लगाना अच्छी जगह पे लगाना जाना। तो मैं इसको शायद चेंज करना चाहती थी कि शायद मुझे देख के लोग समझे कि यार जब मैं पाकिस्तान में पैसे लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड है वो ब्रिटिशर है, अच्छा तो मेरे लिए वहां से वापस आके अपनी कंट्री में इन्वेस्ट करना, तो ये बहुत। और उनको कन्विंस करना कि नहीं पाकिस्तान में लगा। हाँ जी, उन्होंने मुझसे पूछा था कि जी क्या करना है, तो मैंने कहा नहीं, अगर कुछ भी करूंगी तो अपने मुल्क के लिए करूँगी। तो आपको कैसा लगा कि अभी तो फिल्म जो है रिलीज होने वाली है, लेकिन क्या उम्मीद है आपको, कितनी पुरजोश है आप? यार थोड़ी सी नर्वस डेफिनेटली, वो तो ऑब्वियस सी बात है, लेकिन मेरे ख्याल से मैं इस पे उम्मीद मेरी पूरी है, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने लगाई है और ये सब मैंने अपने मुल्क के लिए किया है, तो अगर लोग इसको नहीं देखेंगे तो वो अपने साथ जस्टिस नहीं करेंगे। अच्छा, नया फिल्म को लेके इसका जो पहले नाम भी शुरू से ही नायाब ही था या कुछ चेंजिंग हुई इसमें? अच्छा, ये फिल्म जो नायाब जो नाम रखा हुआ है ना, ये किसी एक लड़की या किसी कैरेक्टर पे नहीं है, ये पाकिस्तान है, यानी कि नायाब मेरी नज़र में पाकिस्तान है, तो पूरे पाकिस्तान का नाम मेरे लिए नायाब है। बड़ी खूबसूरत बात की है कि ये नायाब जो है ये पाकिस्तान के लिए रखा जी, है। तो हमारा पाकिस्तान इतना नायाब है कि उसमें तो ऐसी फिल्में बहुत ज्यादा बननी चाहिए। अच्छा, इसके फिल्म के बाद आपकी होगी कि हम दोबारा भी आपको जो है नई फिल्में बनाएं, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री बहुत कम है। नहीं, मैंने नहीं रुकना, नहीं रुकना, नहीं रुकता, तो इंशाल्लाह अगले साल आप लोगों को और सरप्राइजेस। चलिए जी, नए सरप्राइजेस भी आने वाले हैं, और इनके आपने गुफ्तगू सुनी और इनका नाम जो है मुझे तो लगेगा मुश्किल है इनसे ही जानेंगे आपका नाम। मेरा नाम है एग्नेस, एग्नेस केनी। तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद कर लो सारे।
अब आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि अब ये छा जाएंगी. थैंक यू जी. इंशाल्लाह आप इनके जैसे इन्होंने बातें की बड़ी खूबसूरत बातें और बड़ी खूबसूरत सोच है, इसी तरह अल्लाह करे कि इनकी सोच भी रहे. और तो मूवी की जो रिलीज कब है और कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है ये सारी चीजें भी इनसे जानते हैं. अच्छा ये बताएं कि ये रिलीज कब हो रही है. पूरे पाकिस्तान में 26 जनवरी और 2 फरवरी में इंटरनेशनल रिलीज है. इंटरनेशनल में कहाँ कहाँ? कनाडा, US, UK और पूरे गल्फ. दुआएं चाहिए आप लोगों की. थैंक यू. जितने भी किरदार मैंने अदा किए हैं वो इत्तेफाक से एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं. नायाब का कैरेक्टर बहुत मुख्तलिफ था. सबसे पहले तो ये एक कराची के घराने की कहानी है जिसके लिए सबसे पहले कराची का थोड़ा डायलेक्ट अडॉप्ट करना पड़ा. कराची में किस तरह बात की जाती है, जवानी में लोग कैसे बात करते हैं. अगर एक कोई लड़की स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखती है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी. तो मेरी टीम ने मेरे रीडिंग सेशंस करवाए जो कि अंडर 17 जो अंडर 16 क्रिकेटर बच्चियाँ होती हैं उनके साथ फील्ड में मैंने इंटरेक्ट किया. उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने का अंदाज, बहुत सी लड़कियाँ उनसे बाइक चलाती थी. उसके अलावा मेरी टीम ने मेरी कोचिंग क्लासेस रखाई जिसमें मुझे एक मेरी कोच हायर करवा के दी और 2.5 महीने मैंने क्रिकेट की प्रैक्टिस. तो बताते खुद मैं एक बड़ी इंक्लोज किस्म की इंसान हूँ. तो ये तो बड़ी खुली खुली बॉडी होती है इन बच्चियों की जो कि क्रिकेट खेलती हैं या स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं. तो उसके लिए ज़रा मुझे थोड़ा अपने आप को रीफ्रेस करना पड़ा, अपनी पर्सनैलिटी को नायाब बनाने के लिए. तो ये सारा जर्नी जो है वो बहुत बेहतरीन रहा. और अब आप लोग तो सिनेमा बड़े बंदे में जब देखेंगे तो आप लोग यकीन नाम बताइए और कहाँ से. मेरी बताते खुद को ख्वाहिश नहीं है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिकेट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे वन ऐसा स्पोर्ट है जो कि हम एज पाकिस्तानी रिप्रेजेंट करते हैं और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं. और इंटरेस्टिंगली हमें मौका मिलता है कि हम मुख्तलिफ ममालिक के साथ ये खेल खेल सकें और उनको किसी गेम में या तो एक जीता है या हारता है. और जो हम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा चाहते हैं कि इंटरनेशनल हम अपने कंट्री को जिता कर लेकर आए. तो उसका एक आंसर ये है. और इसमें इंडिया को हराने वाली जो बात है वो बड़ी मुझे तो बड़ी क्यूट सी लगी वैसे. लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्रिकेट में पाकिस्तान और इंडिया के मैच को ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट कंट्रीज से बड़े शौक से देखते हैं. तो उसका आंसर हमें इसलिए डाला ताकि ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो. और डेफिनेटली मैचेज हैं भी, इंटरनेशनल मैचेज हैं हमारे फिल्म में. और जो बाकी के मामला हैं जो आप इश्यूज कह रहे हैं या एक इशू तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इंसान जब जिंदगी में आता है ना तो वो इश्यूज ही होते हैं जिनको जिनके साथ डील कर रहा होता है. जिंदगी के साथ साथ वो चल रहे होते हैं. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ. सो मैं इसे कहूँगी हमारी जिंदगी जो हमारी जिंदगी है उसको डील करने के लिए मैंने ये ख्वाहिश की कि मैंने ये ख्वाहिश अभी देखिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो गई. मैं उधर देखे बोल रहे थे मुझे तो मैंने ये ख्वाहिश की कि आप लोग अपने आप लाए और नायाब को सपोर्ट करने के लिए जो भरपूर हिस्सा आप लोग ले रहे हैं उसके लिए मैं बहुत मशहूर हूँ. इतनी सारी लोगों के साथ बोलती मैंने भी बोलूँगी नायाब का जर्नी. सबसे पहले आई वुड लाइक टू थैंक केनिस फिल्म एंड नाम फिल्म द प्रोड्यूसर ऑफ आर फिल्म द डायरेक्टर ऑफ माई फिल्म एंड एंटायर कास्ट. They have been the great team. और
बहुत सी काबिशों की वजह से ही हम नायाब को इस स्टेज तक लेकर आ गए हैं कि इट्स जस्ट लेस देन 9 or 10 डेज अवे फ्रॉम द रिलीज, विच इज अ बिग अचीवमेंट. सो आई वुड लाइक कि आप लोग थोड़ी सी तालियां बजाएं, आप भी काफी थोड़ी सी बना बजाएंगे आप लोग. बेहद दिल से और बेहद मेहनत से और बहुत ही साफ गोई से पाकिस्तान के लिए ये खूबसूरत तोहफा तैयार किया है जिसका नाम नायाब है और ये अपने नाम की तरह ही बहुत मुनफरिद और ख़ास है. सो यकीनन 26 फरवरी को जब रिलीज़ होगी और आप जनवरी को 26 जनवरी को इतना प्रमोशन कर गए कि रोज सो 26 जनवरी को जब ये रिलीज़ होगी और आप लोगों तक पहुंचेगी, आप लोगों की की नज़र होगी ये, तो इंशाल्लाह आप लोग यकीनन इसको पसंद करेंगे. आप लोग के आने का बहुत शुक्रिया एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर ऑल द क्वेश्चंस यू आर गोइंग टू आस्क ड्यूरिंग दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस. थैंक यू.